ज्यादातर लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि एक ही दिन में हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। और आपने देखा होगा कि लोग बहुत ही ज्यादा भर भर के आईपीओ में अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें हमें लिस्टिंग गेन के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, और कभी कभार तो हमारा एक ही दिन में जो पैसा रहता है उसको डबल से भी ज्यादा हो जाता है। सो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो धन वेव है उस पर हमें किस प्रकार से आईपीओ में अप्लाई करना है। सो अभी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सिंपल से यहाँ पे आपको धनवेव.com वेबसाइट पे आ जाना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेना है। और अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आईपीओ रहता है उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एक बेस्ट डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके आप आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे। सो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप फ्री कॉस्ट जो भी है धन डीमेट अकाउंट है इसको ओपन कर सकते हो। और इसका मैं आपको बेनिफिट बताऊं पे आप देख सकते हो, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस वगैरह देने नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी आईपीओ हो गया, डिलीवरी इक्विटी हो गया, इसमें आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ, और जो भी आईपीओ में अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सो जैसे आप लॉग इन कर लोगे, उसे यहाँ पे भी आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल सा मार्केट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप मार्केट पे क्लिक करोगे, उसे यहाँ पे देख सकते हो हमें आईपीओ का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, जो भी आईपीओ से रिलेटेड ऑप्शन रहते हैं पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं अपकमिंग की। सो जो भी आईपीओ आने वाले होंगे, यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो जैसे उड़ान हो गया, पुरानिक बिल्डर्स हो गया, और यहाँ पे आप ओला का देख सकते हो, स्नैपडील का हो गया। इन सभी का आईपीओ आने वाला है, और एक बार इनका जो भी आईपीओ सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा, फिर उसके यहाँ पे आपको इशू डेट देखने को मिलेगा, इशू साइज देखने को मिल जाएगी, मिनिमम क्वांटिटी हो गया, प्राइस रेंज हो गया, एंड मिनिमम बिड अमाउंट हो गया। सो पूरे यहाँ पे आपको फुल डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। और फिर एक बार जो भी आईपीओ रहता है अप्लाई के लिए ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ओपन नाउ में देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आईपीओ यहाँ पे ओपन हो जाएगा, उसे यहाँ से आप इजिली जो भी आईपीओ रहता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक बार आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर दोगे, तो फिर यहाँ पे आपको जो भी माई बिट्स है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा उसका। और इसी जगह से आप जो भी आईपीओ एप्लीकेशन रहता है, तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, एंड उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो उसको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। और बाकी का जो राय लिस्टेड का, यहाँ से आप ये देख सकते हो कि जो भी आईपीओ आए थे, सो कौन कौन सा आईपीओ भी लिस्टेड हुआ है हाल ही में, यहाँ पे आपको पूरा ऐसा लिस्ट देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो अडानी बिलमार का आईपीओ आया था, और यहाँ पे अभी हाल ही में आया था LIC का, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो LIC का आईपीओ आया था, यहाँ पे आपको फुल डिटेल्स में देख सकते हो। और यहाँ पे भी करंट गेन देख सकते हो, जो भी LIC का आईपीओ था बहुत ही अभी ज्यादा गिर गया है। तो ऐसा पूरा यहाँ पे आप लिस्टेड आईपीओ में देख सकते हो, और बहुत ही आसान है ऐसे आईपीओ में अप्लाई करना। और अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो देखने के लिए।